शहर की जंग जनता के संग कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं संबल जिले के अंदर। संबल के बारे में ये कहा जाता है कि संबल में 59 तीर्थ साथ ही 19 धर्मकूप है। साथ ही संबल को पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी कहा जाता था। जब पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे तब संबल राजधानी हुआ करती थी। इसके साथ ही कल्कि धाम के रूप में भी संबल की एक पहचान है, लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो नगर निकाय चुनाव का है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर संबल की जनता की क्या राय है, संबल की जनता के पास पहुंचेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में हम पहुंचे हैं, जहां की बात अगर हम करें तो यहां पर 8 नगर निकाय हैं, जिनमें से 3 नगर पालिका परिषद और 5 नगर पंचायतें हैं। और इस वक्त हम शंकर कॉलेज के चौराहे पर पहुंचे हैं। सीधा चलेंगे अंदर, जनता से पूछेंगे जनता के मुद्दों के बारे में, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करने जा रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर। किसी एक वार्ड में जाएंगे और उस वार्ड की जनता से हम जानेंगे उनके मन की बात। का ये जो चुनाव है नगर निकाय चुनाव, इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी? देखो जी, सबसे बड़ा तो यह है कि बिजली व्यवस्था यहाँ की ठीक है, बाकी थोड़ा सा ये पानी वगैरह का ये होना चाहिए। और जो नहीं आता है, हाँ, पानी की थोड़ी सी दिक्कत है। और बाकी ये सड़कों का, टूटी फूटी सड़कें ज्यादा है यहाँ पे। किस किस में फाइट है, क्योंकि कैंडिडेट तो सभी नॉमिनेट हो चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। भाई फाइट तो अब बीजेपी और इसमें ही रहनी है समाजवादी में। क्या लग रहा है जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उन निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या मुद्दे हैं इस बार? सर मुद्दे बस यही है कि जरा सड़क पे व्यवस्था रहे, बढ़िया हो, लाइट वाइट वगैरह हो, कुछ व्यवस्था। लाइट का तो ये समझ लो कि लाइट तो है, लाइट भरपूर है, सरकार में लाइट भरपूर है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं है, जो सड़क लाइट यहाँ पर लगी हुई नहीं है या जलती नहीं है, आती नहीं है। लगी हुई है लेकिन खराब पड़ी है तो खराब पड़ी है, सही है तो सही है, लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं है। फाइट किस किसके बीच में, किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? बीजेपी की और समाजवादी की फाइट है, लेकिन अब देखो आने वाले वक्त में क्या होता है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? योगेश मदान। योगेश जी, वार्ड नंबर 11 नगर पालिका परिषद संबल के अंदर आता है, क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने जाएंगे? इस वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा काम शहर के अंदर हुआ है। यहाँ का जो मेंबर है राजेंद्र कुमार है, और उसने सभी का, हर वर्ग का बहुत बढ़िया करके ख्याल रखा है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो खराब हो, पानी पीने के हर समर सेबिल हर मोहल्ले के लिए उन्होंने। चेयरमैनी का चेहरा हम देखें तो क्या कहेंगे, क्योंकि गढ़ तो ये समाजवादी पार्टी का कहा जाता है, समाजवादी का, और समाजवादी यहाँ से जीतती चली आई है, और जो है अब भी जहाँ तक उम्मीद है समाजवादी यहाँ से जीतेगी। नगर निकाय चुनाव को देखकर ये लग रहा है जैसे कि डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर चल रही है। तो अब की बार जो प्रत्याशी बनाए गए हैं हमारे द्वारा, तो पारुल शर्मा जी को बनाया गया है। विकास के लिए अगर वोट यहाँ की जनता करेगी तो पारुल शर्मा जी को ही प्रत्याशी घोषित करेगी, क्योंकि होता क्या है, बहुत टाइम से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली डबल इंजन की, तब से कोई भी हमारा प्रत्याशी जीता नहीं है, ना ही हमारा विधायक है और ना ही कोई चेयरमैन है। तो इस बार कैसे आप कॉन्फिडेंट हैं कि पारुल शर्मा जीतेंगे? कॉन्फिडेंट तो यह है कि हमारी सरकार ने भेदभाव के बिना काम किए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारी सरकार की ही चेयरमैन यह बनेगा। तो पानी मुद्दे क्या है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? मुद्दे ये है, नगर पालिका भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। नगर पालिका में भ्रष्टाचारी इतना बड़ा मुद्दा है कि 40-50% की कमीशन ये लोग खाते हैं, उसके बाद ठेकेदार भी 20% रुपया कमाएगा। यकूब जी, क्या लग रहा है इस बार जनता किसके साथ जाने वाली है और जनता के स्थानीय मुद्दे क्या है, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ये सड़क, पानी, लाइट, इन सब की समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं, जनता इनको देख कर वोट देती है, क्या कहेंगे? जो भी अच्छे काम कराएगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा लोगों में, तो जनता उसी के साथ जाएगी। सपा का गढ़ कहा जाता है इसको, ये ठीक है, ये बात ठीक है, ये तो ठीक है बात, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन अब तो वोट उस समाज वाली हो या कोई भी हो, जो भी काम कराएगा शहर के अंदर उसी को वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, काम कराने वाले को वोट देंगे। सर आपका क्या मानना है? मोहम्मद असलम नाम। असलम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे काम बढ़िया हो, और लाइट है, बिजली है, पानी है, आपस में सब लोग, खास बात तो यह है भाईचारे से रहे, ये बहुत चाहते हैं हम, बस सब मोहब्बत से। मेरा नाम संजय देवल है। संजय जी, क्या लग रहा है इस बार अगर हम संबल नगर पालिका परिषद की बात करें तो किसका पल्ला भारी लग रहा है? हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और लोगों से जैसे हम बात कर रहे हैं उनका भी ये मानना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर हमेशा रूल करती आई है। समाजवादी पार्टी रूल करती आई है, उसकी वजह देखिए, सारा मतलब समीकरण जो है
मोमडन सिटी होने की वजह से इसका थोड़ा सा प्रभाव रहता है, लेकिन इस बार पब्लिक ऐसा नहीं है, मुस्लिम पब्लिक भी जागरूक है और जो कैंडिडेट चुनेगी पब्लिक वो काफी सोच समझ के चुनेगी। सभी का ध्यान इस समय, अब चूंकि विकास की लहर चल रही है पूरे प्रदेश में, तो सबका ध्यान ये है कि जो भी लीडर बने पढ़ा लिखा हो, मतलब शिक्षा व्यवस्था में और स्वास्थ्य व्यवस्था में ये सब चीजों का जो ध्यान रखे वही कैंडिडेट चुना जाएगा इस बार। सबको जो ध्यान में रखेगा वो चुना जाएगा। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं स्थानीय? सर मुद्दे तो ज्यादातर ये है कि आजकल संभल के अंदर कोई विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। सरकार तो कम ज्यादातर तो समाजवादी की रही है और आजकल की पब्लिक जो है यहाँ के जो चेयरमैन रहे, चेयरमैन सांसद जो रहे हैं, दरअसल सारे से प्रॉब्लम ये है कि रोडवेज की सारी मौसम, ठीक है। फिलहाल में इतना पुराना शहर जिला भी है, शहर है ये संभल जिला, आज तक इसमें रेलवे स्टेशन ठीक से नहीं बन पाया। काफी सुविधाएं ऐसी हैं जो अभी तक ऐसी पड़ी हैं सारी, कोई इस पर फोकस नहीं किया गया आज तक। क्या लोकल बॉडी के मुद्दे? पर्यटन नगरी है हमारी, यहाँ पर्यटन का कोई विकास नहीं किसी प्रकार का, और जो भी चेयरमैन बने वो पढ़ा लिखा बने, सफाई होनी चाहिए, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए यहाँ के लिए, और जो है लोगों को रोजगारी मिलना चाहिए, नगर पालिका जो भी काम करे सबके हित में बढ़िया काम करे। तो आपने सुना किस तरह से लोग अपनी बात को रख रहे हैं कि जो भी चेयरमैन बने वो जनता के हित में काम करें। अब जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों की राय हम जान रहे हैं। जनता के बीच पहुंचकर, गलियारों में पहुंचकर, संभल नगर पालिका के वार्ड के अंदर जाकर आगे भी चलते हैं, आगे भी लोगों से अपनी बात को जारी रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वो चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल जी, नगर निकाय चुनाव का बिल्कुल हो चुका है जी, कैंडिडेट मैदान में है सभी के, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कौन बाजी मारेगा? देखिए यहाँ तो समाजवादी का है, समाजवादी का इसे कह रहा है हमेशा से, मगर अगर सत्ता में जो पार्टी है अगर उसी का कैंडिडेट हो जाए तो विकास की उम्मीद ज्यादा हो जाएगी। लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए और शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए हमारे चेयरमैन को। सफाई वगैरह भी शहर में अपने एरिया वगैरह में ध्यान देना चाहिए नगर पालिका को, और चेयरमैन को सही तरीके से काम करना चाहिए। सर कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे कि उनका काम कैसा है इसके ऊपर? मेरा नाम नेहा गुप्ता है। कैंडिडेट को देख के वोट दिया जाएगा, मेन चीज ये ध्यान रखा जाएगा कि कौन विकास कर रहा है, कौन विकास के लिए लड़ रहा है, इसको देख करके ज्यादा मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम उनको वोट देंगे। अगर आप संभल आते हैं तो संभल में चक्की के पाठ को जरूर देखते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जब राजधानी संभल हुआ करता था तो उदल ने एक छलांग में दीवार पर चक्की के पाठ को टांग दिया था। तस्वीरें आप देखेंगे तो उसी जगह इस वक्त हम मौजूद हैं और वो पाठ भी आप देख सकते हैं। हालांकि जो माहौल है वो नगर निकाय चुनाव का है, लेकिन ऐतिहासिक इस चक्की के पाठ को देखना भी बेहद जरूरी है और यहाँ का जो बाजार है, मेन बाजार है, यहाँ पर जनता की क्या राय है उसको भी जानेंगे। चक्की के पाठ को आपने देखा, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, पूरा बाजार आप देख सकते हैं, फुट फॉलोइंग यहाँ पर कितनी ज्यादा है। और चक्की के पाठ के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, क्या जानकारी है आपको चक्की के पाठ के बारे में? मलखान ने टांगा था ये छलांग लगाकर, और उसके बाद ये चक्की का पाठ टांगा हुआ जब से। वैसे क्या साफ सफाई, पानी समस्या, कुछ इस तरह के मुद्दे हैं? सही है वैसे तो। लोकल मुद्दों को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है? और भी तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम संसार सिंह है। संसार जी, क्या लग रहा है इस बार संभल की जनता किसको इस बार चेयरमैन पर बैठाएगी, खासतौर पर अगर हम संभल चेयरमैनी की बात करें तो? देखिए संभल की जनता अब तक जो ठगी गई है, और इस बार जो जनता का मूड है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अभी जो चेयरमैन थे, जो समर्थित चेयरमैन रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, हाजी शकील साहब, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे शौचालय की बात हो, पानी के निकासी का मामला हो, या तमाम तरह की सड़कों। आपको आपका मानना है कि इस बार जो बसपा है वो मोर्चा मारेगी? जी बिल्कुल मोर्चा मारेगी, क्योंकि देख लिया बहुजन समाज पार्टी को लोग अब याद कर रहे हैं यहाँ की जनता, क्योंकि समाजवादी को देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, और अब जो विकल्प बन के आएगी तो वो बहुजन समाज पार्टी विकल्प बन के आएगी। बहुजन समाज पार्टी विकल्प बनेगी, आपको आपका भी यही मानना है बहुजन समाज पार्टी विकल्प बनेगी? जी बीएसपी
बीएसपी का चेयरमैन। वजह क्या है, हालांकि यहाँ की जो अगर हम आबादी की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में क्या एक बार फिर जो मुस्लिम लोग हैं वो बीएसपी पर भरोसा जताएंगे? बीएसपी पर भरोसा इसलिए जाएगा कि जिस तरीके से मुस्लिमों पर क्राइम हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में, इससे लोग तंग आ चुके हैं। इस वजह से अब बीएसपी एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि आज वो अखिलेश साहब कुछ बोल नहीं रहे मुस्लिम पक्ष में, इसलिए बीएसपी को लाइक करेंगे, बीएसपी को लाइक करेंगे। आपका नाम क्या है? गंगा शरण। क्या लग रहा है इस बार, कौन लग रहा है? इस बार बीएसपी का चांस लग गया फुल। बीएसपी का चांस है, प्रत्याशी के बारे में जानते हैं? प्रत्याशी कोई भी हो, जो हमारा प्रत्याशी बसपा से है, बहुजन समाज पार्टी से है, हमें उसे वोट देंगे, सपोर्ट देंगे, और वही काम काज कर सकता है, वरना और कोई सरकार नहीं कर सकती। अब दलित वोटों के साथ मुस्लिम वोट लग रहा है कि आपको मिल जाएंगे? सर मेरा नाम सतपाल सिंह है, गुर्जर समाज से हूँ। इस पे यानी कि इस समय बीएसपी के बहुत अच्छे चांस हैं, और यहाँ के जो नगर पालिका की जो सीट है वो बीएसपी के खाते में आने की 80% जाएगी। 80% 80% कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो संबल से नगर पालिका परिषद है उससे सीट निकाल सकती है, इनका मानना है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम रफाई से। मुस्लिम समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार, किसको जिता रहे हैं? एसपी में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, बीएसपी को जिता रहे हैं। गढ़ तो ये समाजवादी पार्टी का है। नहीं, बीएसपी का भी गढ़ है। बीएसपी का भी गढ़ है, बीएसपी का गढ़ भी है, इनका ये कहना है। आपका क्या मानना है? मेरा नाम इकरार हुसैन है। देखिए संबल जो है बीएसपी का गढ़ लोग मान रहे हैं होगा, मगर यहाँ समाजवादी का वोट बैंक है संबल में। संबल एक ऐतिहासिक शहर है, उसके हिसाब से संबल को कुछ नहीं मिला आज तक। जो 20-50 साल पहले संबल था वही आज है, और पीछे हटने की स्थिति में है, आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। चेयरमैन कोई भी बने, यहाँ पर जो विकास की बात करेगा संबल की जनता उसे वोट देगी। विकास की जो बात करेगा जनता उसको वोट करेगी। लंबा समय हो गया संबल का विकास नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है। लेकिन बहुत से तमाम लोग यहाँ जो मौजूद हैं उनका ये मानना है, उनका ये दावा है कि इस बार जो चेयरमैन की सीट है वो यहाँ से संबल नगर पालिका परिषद से बसपा निकालने जा रही है। अब देखना होगा जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी, और आने वाली जो 13 तारीख है उसमें जब नतीजे आएंगे तो नतीजों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज।